नोएडा में बीच सड़क पर एक विदेशी महिला के हंगामे की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में अफ्रीकी महिला पुलिस वालों के साथ गाली गलौच और धक्का मुक्की करती दिखती है। इस दौरान सड़क पर काफी भीड़ जमा हो गई। मामला अनियंत्रित होता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। नशे की हालत में विदेशी लड़की ने यूपी पुलिस से बदसुलूकी की, जिसके बाद बहुत मशक्कत करने पर नशे में धुत महिला शांत हुई है। यूपी के नोएडा में विदेशी महिला ने यूपी पुलिस के साथ शराब के नशे की हालत में पुलिस वालों से पहले गाली गलौच की, फिर हाथापाई भी की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो पुलिस कर्मियों पर चिल्लाती है और उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करती है। दरअसल पूरा मामला गुरुवार का है, जब अफ्रीकी महिला शराब के नशे में सड़क पर हंगामा कर रही होती है और लोगों से भी झगड़ती है। तभी लोग इसकी शिकायत पास के पुलिस थाने में करते हैं, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी उस महिला की इस हरकत को रोकने पहुंचते हैं। लेकिन महिला को शांत करने के बावजूद महिला शांत नहीं होती और उल्टा पुलिसकर्मियों पर ही भड़क जाती है। पुलिसकर्मियों को धक्का देती है और गालियां देना शुरू कर देती है। जानकारी के मुताबिक मामला नोएडा के सूरजपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अफ्रीकी महिला बीच सड़क पर पहले हंगामा करती है, राहगीरों से झगड़ा करने लगती है और बाद में राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति को संभालने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक महिला के खिलाफ की गई कार्रवाई का खुलासा नहीं किया है। इसकी वीडियो क्लिप जो सामने आई है उसे लेकर मामला सुर्खियों में बना हुआ है। जब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने हंगामा करती महिला को शांत करने की कोशिश की। इस दौरान सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस महिला को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मामला तब आगे बढ़ गया जब महिला गाली गलौच पर उतर आई। रास्ते पर मौजूद लोग ये सब देखकर बहुत डर गए। कई लोगों ने अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर भागना सही समझ लिया। बताया जा रहा है कि महिला अंग्रेजी में पुलिसकर्मियों को गाली दे रही थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।